मुख्य सचिव उषा शर्मा ने तमाम जिला मुख्यालयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री द्वारा मिले निर्देशों को लेकर रिव्यू बैठक ली और जिले में पानी बिजली के साथ ही ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। इस मौके पर अजमेर के कलेक्ट्रेट में संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा, कलेक्टर प्रदीप के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण विकास, जलदाय विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जिसने वर्तमान स्थिति को जानकारी लेते हुए गर्मी के मौसम में व्यापक इंतजाम के निर्देश दिए गए। जिले में बिजली पानी की स्थिति सही रहे और स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीनेशन 100% हो इसके लिए कहा गया। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले इसके लिए भी निर्देशित किया गया। आज माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा हमारे जो रिव्यू मीटिंग रखी गई थी, जिसमें आपके चिकित्सा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, इनके बारे में समीक्षा की गई थी। और इसमें ये जैसे निर्देश दिए गए कि एक तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लक्ष्य पूरे करने का निर्देश दिए, और इसके अलावा जो आपके पानी बिजली पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिए, और जो वैक्सीनेशन जो बकाया उसको करने का निर्देश दिए। ये जो आपकी जो निःशुल्क दवा योजना, जाँच योजना, इसकी एक मई से जो शुरू होगी, इसी अक्षर से पालना करने का निर्देश।